की तरफ लेके आए माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद राज्यवर्धन जी राठौर, उनके साथ पहुंचे। आप सभी से निवेदन है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कोटबली की जगह पर। देखिए, मैं अकेला नहीं, टीम राजस्थान मिलकर काम करेगी। सभी वरिष्ठों का, बड़ों का मार्गदर्शन और सहयोग लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, चूंकि मैं कार्यकर्ता हूं, तो हम सब लोग एक टीम राजस्थान बनकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये निश्चित है कि 2023 में राजस्थान में ये नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सब लोग लेंगे। देखिए, सब आप लोग आ रहे हैं, वहाँ बात करेंगे निश्चित रूप से। जनता पार्टी के साथ लंबे समय से संगठन में रहे हुए, पूरी पार्टी को एकजुट करके, एक मत करके अगले 15 साल तक राजस्थान की सेवा करनी है। जिस तरह से पिछले 5 साल राजस्थान के नौजवान, महिला, किसान हर तरह से पिछड़ गए, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और हम सबको, मैं जनता से आग्रह करता हूँ, ये युग है बदलाव का, राजस्थान के लिए बदलाव का। एक युवा को जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको, आपके इस प्रश्न से मैं विचलित नहीं होता, क्योंकि ये कांग्रेस की जो विचारधारा है कि चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुख्यमंत्री पद बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे दिमाग में उन्होंने घुसा दिया है। जनता बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बदलना बहुत जरूरी है।